सो व्हाट इज अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो भाई आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं मैं कंकरर गेम प्ले, कंकरर गेम प्ले। ठीक है भाई, अब जैसे इसको पता है कि भाई हमने कंकरर स्क्वाड पुश करने की सोची थी, ठीक है, मैं आज डिसाइड कर रहा हूं कि मैं कंकरर पुश नहीं कर रहा, स्क्वाड में तो बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि भाई इसके पीछे इतने बड़े बड़े रीजंस है ना, जो लिटरली मेरे को लग रहा था कि हो सकते हैं, पॉसिबल है कि हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद से कुछ हो जाए, लेकिन भाई वो रीज़न फिर से मेरे सामने आ रहे हैं, जो डुओ में भी काफ़ी हद तक आए थे लेकिन स्क्वाड में बहुत हद पार हो चुकी है। अब भाई इतना नहीं हो सकता भाई, इसमें नहीं कर रहा मैं, स्क्वाड में तो नहीं कर रहा एटलीस्ट, ठीक है, डुओ में शायद फिर भी कर लेंगे, सोलो डुओ कुछ भी कर लूँगा, लेकिन स्क्वाड नहीं। ठीक है, अब भाई देखो यहाँ पर हम सिंपली एक स्क्वाड के ऊपर पुश कर रहे हैं, स्क्वाड फिर से आ गया। तो भाई स्क्वाड के ऊपर मैंने पुश किया है, ऊपर आपने देखा होगा मैंने एक नेड किया, एक बंदा नॉक हुआ था, लेकिन एक्चुअली में ऊपर अलग टीम थी और नीचे हम अलग टीम थे, समझ रहे हो, ऊपर अलग टीम है नीचे अलग टीम है, और हमने यहाँ पर ऑल डेड किया और मुझे लगा भाई ऑल डेड है, लेकिन यहाँ पर ऊपर टॉप पर एक टीम बैठी हुई थी जो हमारा इंतजार कर रही थी, लेकिन क्या हुआ कि हमें उनका एक बंदों का फुटस्टेप आ गया, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ऊपर बंदे हैं। तो भाई ये बंदा तो लिटरली क्या पीक लेके बैठा था, नॉक फिनिश डालता मेरे को, अगर मैं हल्का सा भी यहाँ पर कुछ गलती करता ना लिटरली नॉक फिनिश होता। बाकी भाई मैं स्क्वाड पुश क्यों नहीं कर रहा, उसके पीछे कुछ छोटे छोटे लगभग 5-6 रीजंस हैं, अगर तो आपको लगता है ना कि मतलब मुझे बताने चाहिए तो फिर ठीक है, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। वैसे तो मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग जानो, और नहीं भी चाहता, लेकिन अगर भाई ज़्यादा डिमांड आएगी, लोग चाहते हैं कि भाई मैं बताऊँ, तो ठीक है मैं ज़रूर बताऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे रीज़न है कि मोस्टली बंदों के दिमाग में वो आएंगे। ठीक है, कोई अगर स्क्वाड पुश करने की सोचेगा ना पक्का आएंगे, और मैं सच्ची कह रहा हूँ परेशान हो जाओगे सुनने के बाद ना, लिटरली इतने ज़्यादा परेशान हो जाओगे। अब भाई देखो यहाँ पर क्या सीन है, गाड़ी में निकले थे चार बंदे, लेकिन इनको क्या पता था कि इनको तो हम गिरा के मारेंगे सिक्स एक्स लगा के। तो भाई M4 से यहाँ से दो बंदे गिरा दिए, बाकी टपाटप करके हम फिनिश ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि भाई किल कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, केडी मेंटेन भी करना होता है यार, कुछ इज्जत है अपनी, है ना। अब भाई देखो यहाँ पर चार किल हो चुके हैं, सिंपली यहाँ पर M24 का रशियन पीस वाले शॉट मार रहा हूँ मैं, जिसका कुछ मतलब भी नहीं बन रहा, और लास्ट बंदा यहाँ पर निकल चुका है, जिससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, जाती है तो जाए, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब वो चला गया था, यहाँ से हमने रोटेशन काटी थी, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल पंप पे मैं एक्चुअली IGL हूँ, लेकिन मैं फिर भी सबसे आगे भागता हूँ अपनी टीम का, तो क्योंकि रोटेशन मुझे बनानी पड़ती है। अब यहाँ पर रोटेशन बनाने आया था, लेकिन भाई उन लोगों ने बग्गी फाड़ दी, मुझे फाड़ दिया, पता नहीं क्या क्या फाड़ दिया, लेकिन भाई वहाँ पे मेरी टीम आ चुकी थी और उन्होंने वहाँ पे फाइट लिया, यहाँ से मैंने डाली तीसरी उंगली और भाई खत्म, लिटरली स्क्वाड वाइप, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई देखो पीछे से एक और टीम आ रही है, ठीक है, ये टीम पीछे हमें होल्ड करा रही थी, लेकिन हम यहाँ पर निकल चुके थे, और अब ये टीम पैदल आ रही है, इनके पास गाड़ी नहीं है। सोलो डुओ स्क्वाड कुछ भी हो ना, एक गाड़ी होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आपके पास वेपन के नाम पे चाहे सिर्फ एक AR हो या फिर चाहे एक SMG भी हो, ठीक है, बंदे पे एक SMG होगा, बंदा लॉन्ग रेंज फाइट नहीं लेगा, क्लोज में ले लेगा, लेकिन भाई जो मतलब रीजन है ना एक गाड़ी का, वो भाई कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भाई खुले में भागने से तो गाड़ियाँ तो होनी चाहिए, सैनोक की बात अलग है, सैनोक में तो मैं खुद यूज़ नहीं करता। अब भाई देखो यहाँ पर क्या था, मैंने स्मोक कर रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि TMR मुझे लेने आएगा, और जब हमारी गाड़ी स्लो होती है ना तब काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोग पुश करेंगे, मतलब हमारे पे फायर करेंगे तो कुछ ब्लास्ट हो सकता है। अब हमने ऊपर दो बंदे नॉक कर दिए थे और हमारा एक बंदा नॉक हो चुका था, तो मैंने फ्लैंक करके ऊपर जाने की सोचा, लेकिन पीछे से भाई क्या ही बोलूँ यार, और अलग ही लेवल की थर्ड पार्टी आई घरों से और हमें यहाँ से निकलना पड़ गया। ठीक है, पूरा रोटेशन काट के वहाँ पर जितना हमने प्लान बनाया था सब कुछ चेंज करके 20 बंदे अलाइव है, जोन देखो कितना छोटा सा रह गया, मेरे अकॉर्डिंग तो छोटा ही है, बाकी स्क्रिप्ट में तो बात अलग होती है, T1 T2 में वो तो चल, T1 तो मैं खेला भी, लेकिन T2 तक की बात अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सीन है भाई, देखो इजिली हम यहाँ पर आके बैठ गए, गाड़ी पर अच्छी खासी गोलियाँ पड़ रही है, वो हमारी गाड़ी फाड़ रहा है, मैं उसकी गाड़ी तो नहीं है उसके पास, तो मैं कुछ और फाड़ दूंगा भाई हेडशॉट मार के, तो क्या सीन है भाई, फाड़ दी उसकी जो फंड थी। अब भाई देखो क्या सीन है, सिंपली यहाँ पर हो चुका है हमारा बैंक, ठीक है, बैंक क्यों बोल रहा हूँ, सैंडविच बन चुका है अपना, राइट में ऊपर बनते हैं, लेफ्ट में नीचे बनता है, और सिर्फ एक स्मोक। ठीक है, अब ये ऐसा पॉइंट है जब मैं दिखाऊंगा, स्मोकिंग सेव्स आवर लाइफ, आवर तो नहीं माई लाइफ भाई, थोड़ा सा क्लिकबेट भी चलता है हल्का फुल्का, आवर बोल दिया तो यहाँ पर TMR फिनिश ऑफ हो जाएगा। अब मेरे पास देखो भाई जोन है छोटा सा, यहाँ पर एक गाड़ी का कवर है, एक पत्थर का कवर है, और एक मेरे पास स्मोक है। ठीक है, स्मोक मेरे पास मैं हमेशा रखता हूँ 4, TMR रखता है 9 से 11 स्मोक रखता है TMR। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक स्मोक वहाँ पे किया था, अब हर एक स्मोक की जो वैल्यू होती है ना वो 45 सेकंड तक होती है, 45 सेकंड्स के लिए। ठीक है, तो हर 45 सेकंड के बाद, मतलब मैंने कोई ऐसे देखा नहीं था टाइमिंग लगा के साइड में, लेकिन एक आइडिया हो जाता है, मतलब जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते हैं ना आपका गेम के अंदर, आपका वो मतलब बढ़ता रहता है, वो पता चलता रहता है भाई ये चीज़ अब होने वाली है, अब होने वाली है, तो आपको पहले से लगभग आइडिया लगते रहते हैं।
तो ये बात रियलिटी है काफी प्लेयर्स को, जैसे भाई एक्सपीरियंस के ऊपर तो बहुत कुछ बेस है, ठीक है। अब वहां पर दो बंदे बैठे थे, एक को तो लूसीफर ने वहां पर हेडशॉट दे दिया, लेकिन वहां पर एक और बंदा बैठा था जो उंगली कर रहा था बार बार, ठीक है। तो भाई देखो, सात स्मोक यहां पर पड़े हैं और एक मेरे पास अभी रह गए, तो अब मैं अगले जो जितने भी एक या दो जोन जो आने वाले हैं सारा यहीं बिताने वाला हूं। और भाई देखो, इस सैंडविच के बीच में बिताने वाला हूं, ठीक है। एक गाड़ी, एक पत्थर और लेफ्ट में भाई एक स्मोक, बस नथिंग एल्स। मैं नहीं चाहता कि इसमें से मैं कुछ भी स्किप करूं, तो आप ये वीडियो पूरी देखना। मैं स्किप कर सकता है लेकिन मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके छोड़ दूंगा। देखो बार बार देखो, हर 45 सेकंड के बाद मेरा आइडिया है, जिसको आइडिया नहीं लगता भाई ऊपर जो जोन की टाइमिंग चलती है ना उसके अकॉर्डिंग काम किया करो। जो देखो अभी 21 सेकंड 20 सेकंड चल रही है, इसको एज अ टाइमिंग लेके चला सकते हो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भाई मेरे को एक आइडिया था कि हर 40-45 सेकंड बाद मुझे यहाँ पर स्मोक डालना है, तो बस मेरे पास है सिंपल 7, उसके पास थे 4 मेरे पास थे, तो भाई मेरे पास टोटल यहाँ पर 11 स्मोक्स हैं, ठीक है। 11 स्मोक मेरे पास पड़े हैं और मैं आराम से बस क्या करूँगा 11 स्मोक्स का, भाई देख लो 11 को मल्टीप्लाई कर लो भाई 45 से, इतने मिनट में यहाँ पर, इतने सेकंड में यहाँ पर निकाल सकता हूँ, मतलब लगा लो मैं यहाँ पर 2-3 जोन आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। फिर मेरे पास 3-4 स्मोक्स हैं, वो बच जाएंगे। अब भाई देखो, स्मोक्स का यूज़ आपको मैं संभाल रहा हूँ यहाँ पर, कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा बहुत। ये बंदों का हो गया था भाई, कहते खुलने में आ रहे थे, इनके पास गाड़ी नहीं थी यार बेचारे गरीब, यू नो गरीब, चाहे मेरी खुद की गाड़ी फटी पड़ी है लेकिन मैं उनको गरीब बोल रहा हूँ, देख रहे हो भाई, ये होती है एक्सपीरियंस, जिसको मर्जी जो मर्जी बोलो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। तो भाई देखो, यहाँ पर सिंपली इनको पेल देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उनका वहाँ पे पार्टी चल रहा था, पार्टी में मैंने तीसरी उंगली डाल के कर दिया थर्ड पार्टी, और भाई यहाँ पर हमारे लूसीफर भैया नॉक हो चुके हैं, लेकिन हम बचा नहीं सकते क्योंकि भाई बहुत ओपन भागना पड़ेगा और गाड़ी भी मेरी खत्म हो चुकी है। तो भाई देखो, जो स्मोक यहाँ पर बार बार बंद हो रहा है ना, मतलब जो स्मोक ओवर हो जाता है वो नहीं होना चाहिए, मेरा थोड़ा सा आइडिया ऊपर नीचे होगा, जिसकी वजह से स्मोक बार बार क्लोज हो रहा था। यानी कि आपको जब स्मोक के आपके 30-35 सेकंड हो जाए ना, आपको अगला स्मोक वहाँ पर कर देना चाहिए, ताकि अगले के लिए दिक्कत ना हो, ठीक है। ताकि वो बीच में 2 मिनट के लिए जो होता है ना, 2-3 सेकंड के लिए वो गायब हो जाता है स्मोक, वो ना हो और आपको शॉर्ट्स पड़ने के चांसेस कम रहे। अब भाई 3 बंदे रह गए हैं, जिसमें से एक मैं हूँ, एक वो है, और तीसरे का लोकेशन मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, मुझे बस लग रहा था कि वो लेफ्ट साइड में ही है और मैं बिल्कुल सही था, लास्ट जोन में जाके पास चला था मेरे को भाई। सिंपल यहाँ पर वो बंदे को जोन में आना है, ठीक है। वो भी स्मोकिंग सेव्स माई लाइफ कर रहे हैं, लेकिन उसकी लाइफ उसके स्मोक्स नहीं बचा पाएंगे क्योंकि मेरे पास है पोजीशन। लेकिन लॉन्डन ने डैमेज काफ़ी अच्छा दिया। अब वो बंदा ओपन में मेरी तरफ आ रहा था, लेकिन उसको लेफ्ट से इतने गंदे शॉट पड़े कि भाई मुझे पता चल गया लेफ्ट में ही बंदा है, और मैंने इसको आराम से किल भी स्टॉल कर लिया, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फाइनल बंदा रह गया, फाइनल मोमेंट है भाई, सिंपल हम नेड से इसको उड़ा देंगे। 3 स्मोक पड़े हैं, वो भी जरा देख लो कैसे यूज होते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बात जरूर करना भाई, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि भाई 1K होने वाले हैं अपने, तो जितना जल्दी हो जाए उतना सही है। बाकी कॉन्करर पुश ना करने के अगर इश्यूज और रीजंस आप जानना चाहते हो तो मुझे बता देना, मस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी भाई #GG प्लीज इन द चैट बॉइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.